नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम अहुजा, आप देख रहे हैं शिवम अहुजा फिटनेस। आप सबका हार्दिक स्वागत। दिस वीडियो इज अ मदर्स डे स्पेशल वीडियो। सो फर्स्टली अ वेरी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ द मदर्स आउट देयर। थैंक यू फॉर नर्चरिंग अस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू फॉर टीचिंग अस सो मेनी लाइफ लेसन्स। अ बिग थैंक यू। एंड एक छोटी सी मैसेज मेरी मॉम के लिए, अ बिग थैंक यू मॉम फॉर टीचिंग मी ईच एंड एवरी थिंग बाय एक्सपीरियंस, by various other methods, and thank you so much. I am blessed to have a mother like you. Thank you so much. तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। वो कहानी मम्मा से ही रिलेटेड है। एक्चुअली मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरी फिटनेस जर्नी स्टार्ट हुई थी 108 टू 68 केजीज़ वाली, वो उनसे इंस्पायर होके हुई थी। पहले उन्होंने अपना वज़न कम किया था, मोर देन 10 टू 12 केजीज़ उन्होंने अपना कम किया था, एंड देन मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। उन्होंने डाइट चेंजेस बनाए थे, वर्कआउट में और कंसिस्टेंसी उन्होंने दिखाई थी, एंड उससे मैंने काफ़ी कुछ पिकअप किया। अब डाइट में उन्होंने क्या क्या चेंजेस बनाए थे मैं ये आपको बताता हूँ। पहला सबसे चेंज ये था कि पहले हम डिनर अराउंड 9 to 9:30 के बीच में करते थे, एंड अब हम अर्ली डिनर करते हैं। तो हमारे घर में कॉन्सेप्ट ये उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, 7, 7:30 लास्ट 8 o'clock तक हम डिनर कर लेते हैं। सो आई थिंक उससे मेरे डाइजेशन इश्यूज काफ़ी सॉल्व हो गए थे, एंड काफ़ी मेरे को कैलोरी काउंट में भी हेल्प हुआ था कि मैं रात को फिर बिंज नहीं करता था, एंड शाम का टाइम में भी हम कम खाते थे। तो एक तो डिनर का उन्होंने डेफिनेटली डाइट में चेंज लाया। दूसरा चेंज ये लाया कि ब्रेकफास्ट में हमारे पहले हर दिन पराठे होते थे। एक दिन गोभी का पराठा, एक दिन प्याज का पराठा, एक दिन नमक वाला पराठा विद दही, ऐसे ऐसे करके हम 7 दिन या 6 out of 7 days हम पराठे ही खाते थे। तो उसके बाद हम ब्रेकफास्ट में हेल्दियर ऑप्शंस खाने लगे। मैंने तो फ्रैंकली एग स्टार्ट कर लिए, पर मम्मा ने स्टार्ट करी थी मसाला इडली, उत्तपम, उपमा। दीज आर मच हेल्दियर ऑप्शंस। तो वहाँ से मैंने पिकअप किया कि हाँ, डिनर अर्ली करना है, हाँ ब्रेकफास्ट में हेल्दी ऑप्शंस हो सकते हैं एक्सेप्ट फॉर पराठास, लंच में भी दही खाना, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें लाइक जैगरी ओवर शुगर, वो बताया। एंड घर में हम डिफरेंट चीज़ें बनाते भी रहते थे, जिससे हमारे टेस्ट बड्स को भी बहुत अच्छा आनंद मिलता था। तो डाइट वाइज तो मम्मा ने मेरी काफ़ी हेल्प करी खुद फॉलो करके, एंड धीरे धीरे मैं पिकअप करता रहा चीज़ें। वर्कआउट वाइज मम्मा हर दिन पार्क जाती थी सुबह सुबह अराउंड 7 to 7:30 AM, एंड वो कंसिस्टेंसी देख के मैंने कहा कि यार मैं भी कर सकता हूँ ये, इवन आई कैन स्टे कंसिस्टेंट। तो जैसे जब जब मम्मा पार्क जाती थी, तब तब मैं देखता था कि वो फ्लेक्सिबिलिटी उनकी इम्प्रूव हो रही है, स्टेमिना उनका इंक्रीज़ हो रहा है, मेरे से वो काफ़ी तेज़ चलती हैं एक्चुअली। तो इन सब को देख के मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ, काफ़ी मोटिवेट हुआ। एंड एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डाइट एंड वर्कआउट के साथ साथ थर्ड पॉइंट ये था कि जो मम्मा के क्लोथिंग था वो उनके बेटर फिट आने लग गया था। बाकी लोग बोलने लगते कि अब फिट हो गए हो। उनकी बॉडी वाइज भी वो और डिफरेंट मूवमेंट्स कर सकती थी, जैसे कि ऑल्टरनेट टो टचेस, पहले 20 करती थी फिर 40 पर आ गई। तो ऐसी ये इम्प्रूवमेंट देख के मैंने भी कहा कि येस, ग्रेजुअल चेंजेस इज़ द की, एंड वी हैव टू बिलीव इन आर सेल्फ। एंड वेट कम हो भी या ना भी हो, बट स्टेइंग इन अ हेल्दियर लाइफस्टाइल इज़ अ मस्ट। दोस्तों, ये तो तीन चीज़ें मेनली मैंने फिटनेस एस्पेक्ट पर मम्मा से सीखी। एंड लाइफ वाइज तो देर आर इन्फिनिटी चीज़ें जो मैं गिनवा भी नहीं सकता, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो मैंने सीखी हैं। तो एक छोटी सी मैंने वर्कआउट रिकॉर्ड किया था मम्मा के साथ, तो वो 2 मिनट का है, पीछे एक मोटिवेशनल सॉन्ग के साथ। आप देखिए वर्कआउट, एंड आप अपनी मम्मी को मोटिवेट करिए वर्कआउट करने के लिए। एंड अगर आप मम्मी ही हैं जो देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको वर्कआउट करना चाहिए। डेफिनेटली आपकी हेल्थ पे और आपकी वेल्थ पे एंड आपके ओवरऑल मूड पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आएगा अगर आप वर्कआउट करेंगे, दैट आई कैन डेफिनेटली से। तो देखिए ये छोटा सा 2 मिनट का वर्कआउट। तू हद कर दे।